भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी पहले एक एंटी रोमियो स्क्वाड लेके आई क्योंकि उनको 10-90 बंद करना था, क्योंकि 10-90 आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया। नाम बदलने की राजनीति, अच्छे काम को बंद करने की राजनीति करती है। कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? रोज छेड़खानी, घरेलू हिंसा, बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाएं स्कूल नहीं जा रही हैं। जमीन पर हम काम कर रहे हैं और महिलाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। उज्ज्वला योजना एक बहुत बड़ा घोटाला है। एक सिलेंडर के बदले आप सारे अधिकार ले लेते हैं और सिलेंडर भी दूसरा उस दाम पे नहीं लगता है। शौचालय में पानी नहीं है, गंगा साफ हुई नहीं, महिलाओं को नौकरी मिल नहीं रही है। इको गार्डन में जाकर देखिए, रोज 69,000 शिक्षकों की भर्ती अटकी हुई है, 112 की लड़कियों को निकाल दिया गया। अगर आप देख रहे हैं द राजनीति, मैं हूँ राजन सिंह। आज हम यहाँ सपा कार्यालय पे हैं और हमारे साथ महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैम, कल जिस तरह से प्रोग्राम होना है महिलाओं को लेके, और एक तरफ आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अंतिम समय में लाडली बहना जिस तरह से योजना चलाए, तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लगातार लुभाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं दिखा रही हैं। ऐसे में आपके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा 2024 का चुनाव, कैसे आप काम करेंगे? हर चुनाव एक चैलेंज होता है और हम महिलाओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, महिलाएं रोजगार से बाहर हो रही हैं। उज्ज्वला योजना एक बहुत बड़ा घोटाला है। एक सिलेंडर के बदले आप सारे अधिकार ले लेते हैं और सिलेंडर भी दूसरा उस दाम पे नहीं मिलता है। शौचालय में पानी नहीं है, गंगा साफ हुई नहीं, महिलाओं को नौकरी मिल नहीं रही है, तो ये सब मुद्दे हैं। महिलाएं इको गार्डन में जाकर देखिए, रोज 69,000 शिक्षकों की भर्ती अटकी हुई है, 112 की लड़कियों को निकाल दिया गया क्योंकि उनको थोड़ा सा सैलरी इंक्रीज चाहिए था। तो हम इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। महिलाओं का अहम स्थान है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पेंशन योजना हो, पोषण मिशन हो, वन स्टॉप सेंटर्स हो, महिलाओं को गंभीर बीमारियों में आर्थिक मदद हो, ये सब हमने किया है और हम करते रहेंगे। और इसी पर चुनाव होगा, चुनाव हम गंभीरता से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि महिला सुरक्षा हमारे कार्यकाल में बहुत बेहतर हुआ है और इस पे आगे भी चल के काम करेंगे, तो उनके लिए ये जो कह रहे हैं आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी पहले एक एंटी रोमियो स्क्वाड लेके आई क्योंकि उनको 10-90 बंद करना था, क्योंकि 10-90 आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया। तो इस तरह की नाम बदलने की राजनीति, अच्छे काम को बंद करने की राजनीति करती है। कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? रोज छेड़खानी, घरेलू हिंसा, आप डेटा उठाकर देख लीजिए, बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाएं स्कूल नहीं जा रही हैं, कॉलेज से बाहर हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला आर्थिक सशक्तिकरण पे वो क्या कर रहे हैं? कितनी नौकरियां उन्होंने महिलाओं को दी? और ये जो नियुक्ति पत्र वो बांटते हैं, पहले भी लोगों के प्रमोशन होते थे डिपार्टमेंट पर, नियुक्ति दी जाती थी, वो जनरल हो जाता था, इस पे करोड़ों रुपए खर्च करके एक इवेंट बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी जरूर करती है। बाकी जमीन पर हम काम कर रहे हैं और महिलाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। कल क्या आपका मीटिंग में रहेगा मैम? कल जिस तरह से प्रदेश कार्यालय में आप लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, तो इसमें महिलाओं को आने वाले समय में क्या क्या लाभ मिल सकता है? आपके जिस तरह से आप निर्णय लोगे और पार्टी अगर जीतती है तो उससे महिलाओं को क्या क्या फायदे हो सकते हैं? महिलाओं की समाजवादी पार्टी में एक बहुत सशक्त भूमिका है। कल हम अपनी जिम्मेदारी निश्चित करने जा रहे हैं क्योंकि ये संगठन की मीटिंग है। इसमें हम 2024 में चुनाव कैसे जीते, क्योंकि इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। महिलाएं घर घर जा सकती हैं, हम जा रहे हैं, और कॉलेजेस, छात्रावास, फर्स्ट टाइम विमेन वोटर्स, इन पर भी काम कर रहे हैं। तो हमारा फोकस इस बार जिम्मेदारी पे होगा, अधिकार हमको स्वतः मिल जाएंगे। देखिए, हमारे साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला जो सपा की हैं, वो बातचीत किए हैं, और ऐसे में ये कल निश्चित किया जाएगा कि आने वाले समय में जो सपा सरकार है महिलाओं के लिए क्या क्या दे सकेगी, और जैसे कि सरकारों में दिया था, और आगे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वो सब चीज़ें तय किया जाएगा। और जिस तरह से कल प्रोग्राम होना है उसको देखते हुए ये देखा जा रहा है कि किस तरह से सपा महिलाओं के लिए काम करने जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ राजन सिंह, द राजनीति के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।